मियां नवाज शरीफ का मरियम नवाज को टेलीफोन। साबिक वज़ीर आज़म ने बेटी की खैरियत दरियाफ्त की, नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का भी मरियम नवाज को टेलीफोन। नैब दफ्तर के बाहर पेश आने वाले नाखुशगवार सूरत हाल पर बात की और खैरियत मालूम की। जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना फजलुर रहमान का मुस्लिम लीग नून की नायब सदर से राबिता, पुलिस गर्दी की शदीद अल्फाज में मजम्मत। दो सौ एकड़ गैर कानूनी अलॉटमेंट के केस में तलबी, मरियम नवाज के रहनुमाओं और कारकुनों के जुलूस में नायब ऑफिस पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल। फूलों की पत्तियां निछावर, गो न्यासी गो के नारे। जाती उम्रा से रवानगी से कबल, मरियम नवाज की वालिदा की कब्र पर हाजिरी। फातिहा खानी, लीग रहनुमा जावेद मिर्जा ने कारकुनों की जानिब से बकरों का सदका भी दिया। नैब कठपुतली इदारा, हुकूमत सियासी इंतकाम ले रही है, हम NRO नहीं इंसाफ मांग रहे हैं। मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर राणा सनाउल्लाह की ठोकर, नियाज बेग पर मीडिया टॉक। लीगी MNA अली परवेज मलिक भी नैब ऑफिस के बाहर कारकुनों के हमराह मौजूद। मरियम नवाज बहादुर बाप की बहादुर बेटी, नैब तलबी हुकूमत का फस्ताई रवैया है। खातून लीगी रहनुमा को तलबी का नोटिस, नैब हुकूमत गठजोड़ का नतीजा है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा परवेज रशीद, कुरम दस्तगीर, तलाल चौधरी, इमरान नजीर और शाइस्ता परवेज मलिक का मुस्लिम लीग नून की नायब सदर से इजहार यकजहती। जावेद लतीफ बोले, हुकूमत ने मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया, मरियम आवाम की निजात के लिए निकली हैं। अपनी मोहब्बत से सब खुद पहुंचे हैं और इमरान नियाजी तुमने पंगा लिया है। जब बाजी मरियम खामोश थी तो तुमको चैन करना चाहिए था, अब तुमने पंगा लिया है, अब इंशाल्लाह तुम मजा देख रहे हो और तुम दुख तो गया अल्लाह ताला के फजल से। मरियम नवाज के इस्तकबाल के लिए ख्वाजा इमरान नजीर की दबंग आमद, खातून रहनुमा के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई के खतरनाक नतीजे भुगतने के लिए हुकूमत को तैयार रहने की वार्निंग। करप्शन फ्री पंजाब के दावे बेनकाब, गुजार हुकूमत के पहले साल 200 अरब की बेसाबतियों का इंकशाफ। ऑडिट रिपोर्ट में मवासलात, हाउसिंग, आपाशी, बल्दियात, एनर्जी, इंफ्रास्ट्रक्चर और तालीम के प्रोजेक्ट्स में मनपसंद कॉन्ट्रैक्टर्स को नवाजने, काम से पहले अदायगियां, बोगस सेंट्रीज और टेपरा रूल्स नजरअंदाज करने के इल्जाम। जारी मनसूबों में नाकिस मैनेजमेंट और नाकिस मटेरियल के इस्तेमाल का भी इंकशाफ। खर्चा बचाने के चक्कर में पंजाब डाकुओं के हवाले, गुजार हुकूमत का पुलिस की 21,770 खाली आसामियों पर भर्ती से गुरेज। पंजाब पुलिस ने याद दहानी के लिए बद्दीरियाला को खत लिख दिया। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी ने 15 सितंबर तक तुलबा के स्कूल आने पर पाबंदी लगा दी, तुलबा को रजिस्ट्रेशन के लिए भी स्कूल आने से रोक दिया गया। खिलाफ वर्जी की सूरत अदीबी कार्रवाई की तंबीह, CEO एजुकेशन परवेज अख्तर के मुताबिक स्कूलों के रिकॉर्ड में तुलबा का डेटा मौजूद है और इंतजामिया रजिस्ट्रेशन की पाबंद। पंजाब में बल्दियाती इलेक्शन की तैयारियां, महकमे बल्दियात ने 455 बल्दियाती इदारों के तंजीमी ढांचे तश्कील दे दिए। शेड्यूल ऑफ एस्टेब्लिशमेंट का नोटिफिकेशन जारी, 62 अफसरान पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस और PMS से होंगे। चीफ कॉरपोरेशन ऑफिसर ग्रेड 20 का अफसर होगा। महकमे बल्दियात में ग्रेड 18 से 20 की 455 नई आसामियां तख्लीक, 393 आसामियों पर लोकल गवर्नमेंट अफसरान तैनात होंगे, 62 PMS और DMG अफसरान होंगे। नई आसामियों की तख्लीक का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। वजीर आला उस्मान बुजार कल नैब में पेशी पर मुशावरत के लिए इस्लामाबाद चले गए। उस्मान बुजार वजीर आजम से मुलाकात में नैब पेशी से मुतालिक हिकमत अमली पर बात करेंगे। भारत में बाबरी मस्जिद को राम मंदिर में तब्दील किया जा रहा है, यहां अकलियतों की इबादतगाहों का तहफ्फुज़ कर रहे हैं। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर की अकलियतों के आलमी दिन पर तकरीब में गुफ्तगू, अकलियती बरादरी को हर मुमकिन तआवुन और गुरुद्वारा डेरा समेत दीगर मंदिरों के तज़ीन और आइश की यकीन दहानी। पंजाब में आटा सबसे सस्ता, सीनियर वजीर खुराक अब्दुल अलीम खान का दावा, कहा इदारा शुमारियात की रिपोर्ट ने सस्ते आटे की तस्दीक कर दी। सीनियर वजीर का सूबे में आटे की किल्लत से भी इनकार, बोले मौसर सप्लाई के लिए सख्त मॉनिटरिंग जारी है।
कोरोना से मुतासरा कारोबार की बहाली के लिए आसान कर्जों का प्रोग्राम। पंजाब रोजगार स्कीम के तहत पहले मरहले में 5 से 10 लाख रुपए तक के आसान कर्ज फराहम किए जाएंगे। सूबाई वजीर सनत और तजारत मियां असलम इकबाल की ज़ेर सदारत स्टीयरिंग कमेटी इजलास में स्कीम को हतमी शक्ल दी गई है। साबिक VCUHS प्रोफेसर मलिक मुबशर की नमाज जनाजा अदा। नमाज जनाजा में VCUHS प्रोफेसर जावेद अकरम, प्रोफेसर खालिद मसूद गोंदल, DG रेस्क्यू डॉक्टर रिजवान नसीर समेत दीगर की शिरकत। मियानी साहिब कब्रिस्तान में सपुर्दे खाक किया गया। और बादलों भरा आसमान, ठंडी हवाएं, मौसम खुशगवार, मतला बरालूद, जेल रोड समेत कई इलाकों में बारिश। ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 33 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा।